वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का। सूरत के फूलवाड़ा इलाके में प्राचीन गुप्तेश्वर महा दादा मंदिर में सालगिरह और प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन था, साथ में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भावी श्रद्धालु उपस्थित रहे। सूरत के फूलवाड़ा क्षेत्र में पंच पांडव ओवारा के पास एक अति प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव दादा मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश, हनुमान दादा, सूर्य नारायण भगवान, तापी माता, विष्णु भगवान और माता उमा, वेद माता गायत्री और बलिया देव भगवान की प्रतिमाओं का वार्षिक तक और उत्सव से मनाया जाता है। गाय के चेहरे और चंद्रमा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जल कुंड से जल प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलश यात्रा महाप्रसाद का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़े के साथ फूलपाण गांव में यह कलश यात्रा शुरू हुई थी। गौरतलब है कि फूलपाड़ा क्षेत्र में पंच पांडववाड़ा के पास स्थित गुप्तेश्वर महादेव दादा मंदिर के पास जो पुरानी मंदिर है, वहां गंगा जी बहती हैं, जिसे गुप्त गंगा का नाम दिया गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव भी तापी नदी में आकर के स्नान किए थे। भगवान शंकर जहाँ गुप्त रूप से रहे थे और दशरथ के पुत्र भारत द्वारा इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई थी और पांडव अपने अंतिम वर्ष में यहाँ गुप्त रहे थे। इस तीर्थ का महत्व बड़ा है। ऋषि लोगों की सेवा करके सिद्धि प्राप्त करना, इसके लिए यहाँ पर शिव गंगा गुप्त क्षेत्र कहा जाता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।